हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? हाँ जी सर। तो बेटा लेक्चर नंबर आइए 22 पर पास्ट एडजस्टमेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर्स में पास्ट एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट सीखे थे और अलग अलग वैरायटी के सारे क्वेश्चन जो डीके गोयल में दे रखे थे वो सारे के सारे सॉल्व कर चुके थे। इस लेक्चर में मैं आपको दो क्वेश्चन बहुत प्यारे से सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है जी? तो आप मेरे साथ साथ लिखिए एग्जाम्पल लिखो बेटा ए बी सी आर पार्टनर्स Sharing profits, sharing profits in the ratio of 3:1:1. Their capitals as on 31st March 2020 were rupees 3 lakh, rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. आगे लिखो देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 1,60,000, रुपीज 2,60,000 एंड रुपीज 3,60,000 रिस्पेक्टिवली। आगे लिखो दे डिवाइडेड द प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 1,80,000 इक्वल विदाउट प्रोवाइडिंग the following point number 1 डालो interest on capital at the rate 5% per annum। second लिखो interest on drawing at the rate 10% per annum। third में लिखो सैलरी टू ए रुपीज 2500 पर क्वार्टर। फोर्थ पॉइंट लिखो इंटरेस्ट ऑन बी लोन रुपीज 5000। फिफ्थ पॉइंट लिखो मैनेजर कमीशन रुपीज 19,000। पास एडजस्टमेंट एंट्री। लो जी, हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, पढ़ो पहले इसको ध्यान से।
हमने लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1:1 देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2020 वर रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल का बैलेंस बता रखा है, लेकिन कौन सी डेट का बैलेंस है ये? 31 मार्च 2020 का। तो बेटा ये कौन सी कैपिटल है? ये बेटा क्लोजिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। आगे उसने बता रखा है देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000, 2,60,000 and 3,60,000 रिस्पेक्टिवली। और आगे लिख रखा है दे डिवाइडेड द प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 1,80,000 इक्वल विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। मतलब मुनीम जी 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट भी बांट चुके थे इक्वल, हालांकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी बेटा उनकी 3:1:1, लेकिन अकाउंटेंट जी ने 1,80,000 का प्रॉफिट इक्वल बांट दिया। एक तो गलती उन्होंने ये की विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, और इन चीजों को इग्नोर कर दिया। किस किस चीज को इग्नोर किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, सैलरी को भी, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बी लोन को भी, और मैनेजर की कमीशन को भी। और आपसे बोल रखे हैं जी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री सब चीजों को सही करके एक एंट्री पास कर दो, ठीक है जी। तो बेटा आओ मेन सॉल्यूशन के ऊपर, मेन सॉल्यूशन के ऊपर आ जाओ। लिखो यहां पर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर सर ठीक है, पार्टनर्स के नाम बताओ ए बी सी फिर टोटल। हमें क्वेश्चन में बेटा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट पर आओ और हेडिंग डालो कैलकुलेशन। ये काम क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है, हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को निकालेंगे ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आसानी से कैलकुलेट कर सकें। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम ए बी सी, ठीक है सर। अब मुझे बताओ उनकी 31 मार्च 2020 की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 31 मार्च 2020? चेक करो, उनकी क्लोजिंग कैपिटल थी 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। और अकाउंटेंट जी ने क्या किया था? एक तो ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट कर दी थी और एक प्रॉफिट को इक्वल रेशो में बांट दिया था। तो जब आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे होंगे तो आपने ड्रॉइंग्स को माइनस किया होगा, तो उसका इफेक्ट अब खत्म करने के लिए आपको ड्रॉइंग्स को करना पड़ेगा बेटा ऐड। क्या करेंगे? ऐड। कितने कितने की ड्रॉइंग्स थी बेटा उनकी बताओ मुझे फटाफट। उनकी ड्रॉइंग्स थी सर 1,60,000, 2,60,000 एंड 3,60,000। तो हमने ड्रॉइंग्स को ऐड किया क्योंकि पहले क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए हमने ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस किया था, तो अब उसको कर देंगे ऐड। अच्छा जी, लेस भी करेंगे किसको? प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट कितना था बेटा उनका? 1,80,000 रुपए, जिसको मुनीम जी ने 1:1:1 में बांट दिया था। तो हर पार्टनर के खाते में कितना कितना क्रेडिट हुआ था बताओ जी? सर 60,000, 60,000, 60,000। मतलब उनकी कैपिटल में ये प्लस हुआ था, तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए अब इसको हमने क्या किया? माइनस किया। इसके बाद अब आप निकाल लो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ फटाफट कैलकुलेट करके कितना आता है? ये आएगा बेटा 4 लाख, 4 लाख
4 लाख। अब इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मैंने आपको लिखवाया था 5% पर एनम, तो कितना कितना आएगा, 20,000। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, जो गलतियां अकाउंटेंट ने की थी उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो उन सब चीजों को आप ठीक करना मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सुनो अब ध्यान से, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अकाउंटेंट से गलतियां हुई क्या। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। हाँ जी सर, बनाया होगा उसने। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे बनाया होगा उसने। हाँ जी सर। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी उसने बनाया होगा। हाँ जी सर। 180,000 रुपए का प्रॉफिट था, उसने किन किन चीजों को इग्नोर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर जाता है कि नहीं जाता? जाता है। उसने इग्नोर कर दिया था इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी क्या किया था उसने, इग्नोर कर दिया था। सैलरी को भी उसने इग्नोर किया था। पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन में आती है, तो उसने यहां पर सैलरी किसकी नहीं दी थी, ए की सैलरी को उसने इग्नोर किया। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन बी लोन, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है ना बेटा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को भी उसने इग्नोर कर दिया था। मैनेजर की कमीशन को भी उसने किया था इग्नोर। हाँ जी सर। तो उसने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन को, मैनेजर की कमीशन को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को। तो यहां पर उसने इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन को जब इग्नोर किया होगा, तो यहां का प्रॉफिट 180,000 रुपये आ गया होगा। हालांकि आना कुछ और चाहिए था, और ट्रांसफर भी आपने कितने पैसे कर दिए होंगे उस टाइम, 180,000 रुपये। और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी इग्नोर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी, सैलरी को भी, तो यहां पर प्रॉफिट कितना आया होगा, 180,000 रुपये सर। और उसने इसको पता है कौन सी रेशो में पार्टनर्स के खाते में डाल दिया बेटा, 1:1:1 में। तो पहली गलती पता लगी आपको उसकी, कि उसने गलत प्रॉफिट डाला है पार्टनर्स के खाते में। तो हम क्या करेंगे, जो गलती से प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, मतलब रॉन्ग प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,80,000 इन 1:1:1। तो इसका इफेक्ट सबसे पहले खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को उनके खाते में से निकालना पड़ेगा। पहले क्रेडिट हुआ था, अब करेंगे डेबिट। तो लो जी, मैंने लिखा यहां पर 60,000। यहां तक समझ में आया बच्चों को? हाँ जी आया। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन को उसने इग्नोर किया था, क्या ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है? नहीं जी, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, ये कहां पर जाता है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। मैनेजर की कमीशन कहां पर जाती है, सीधा बैलेंस शीट में जाती है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो इसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात इतनी? हाँ जी सर, क्लियर हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर किया, मतलब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं दिखाया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के खाते में नहीं पहुंचा होगा। तो मैं सबसे पहले पार्टनर्स के खाते में, मैंने पहले तो गलत प्रॉफिट उनके अकाउंट में से निकाला, अब उनके अकाउंट में जो चीजें जानी चाहिए थी वो मैं उनके अकाउंट में डालने का काम कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में मैं क्रेडिट करूंगा, जो कि निकला था 20,000। तो यहां पर 20,000 रुपए का प्रॉफिट इसके अकाउंट में क्रेडिट करो, 20,000 का प्रॉफिट इसके अकाउंट में क्रेडिट करो, 20,000 का प्रॉफिट इसके अकाउंट में क्रेडिट करो। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना क्रेडिट किया, 60,000। सैलरी टू ए को भी उसने इग्नोर किया था, हमने इसका काम पूरा कर दिया। सैलरी टू ए कितनी थी, 2500 रुपए पर क्वार्टर, और साल में कितनी बार क्वार्टर आते हैं, एक क्वार्टर कितनी बार रिपीट होता है, 4 बार। तो इसका मतलब उसकी सैलरी बेटा थी 2500 मल्टीप्लाई कर दो 4 से, उसकी सैलरी थी 10,000। तो इसका मतलब यहां पर सैलरी भी लिखनी चाहिए थी 10,000 की, और 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाना चाहिए था, और ये सैलरी खाते में भी जानी चाहिए थी, जिसको मैं अब भेजने का काम कर रहा हूं उसके खाते में। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर। सैलरी किसकी देनी है आपने,
एक ही सर, कितनी है 10,000 क्रेडिट कर दिया उसके खाते में, डाल दिया सैलरी का अमाउंट भी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसने इग्नोर कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%, लेकिन क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स है वो ये नहीं बता रखा कि ड्राइंग्स कब की गई, मतलब डेट गिवन नहीं है, और रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है। तो कितने महीने का निकालेंगे बेटा, 6 महीने का, 6 महीने का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यस 6 महीने का निकालेंगे। तो मुझे निकाल के फटाफट बताओ बच्चों कितना आता है। ड्रॉइंग्स थी 1,60,000, 1,60,000 के ऊपर 10% होता है 16,000, तो 6 महीने का होगा 8,000। 2,60,000 के ऊपर 10% होता है 26,000, लेकिन 6 महीने का कितना बनेगा 13,000। 3,60,000 के ऊपर 10% कितना होता है 36,000, तो बेटा आधे साल का कितना होगा 18,000। ठीक है, हाँ जी सर, तो 18 + 13 कितना होता है, 18 + 13 31, 31 और 8 39, 39,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसने यहां पर नहीं दिखाया, और पार्टनर्स के खाते में इसको करते हैं डेबिट, तो ये डेबिट भी नहीं हुआ होगा, जिसको हम अब डेबिट करने का काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बताओ कितना कितना निकाला था आपने, 8,000 इसका बेटा, 13,000 सर इसका, 18,000। यहां तक बच्चों को कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर, यहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा जी, मैनेजर की कमीशन 19,000 थी और लोन के ऊपर इंटरेस्ट था 5,000। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, 5,000 19,000। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी सर। अब बेटा मुझे ये बताओ, उनके अकाउंट में गलती से 1,80,000 रुपए जो गए थे पहले, तो आपने उसको तो निकाल लिया, ठीक है जी, उसको साफ कर दिया उनके अकाउंट में से, पहले तो आपने ये काम किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में डाला, सैलरी डाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया। अब मुझे बताओ यहां पर सही वाला प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, सही में प्रॉफिट कितना यहां पर निकलना चाहिए था। 1,80,000 में से मैं कहता हूं करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट्स, मुझे बताओ सबसे पहले हमारे पास कितने पैसे पड़े थे, 1,80,000, जिसमें से मैनेजर का पैसा कितना बनता है, मैनेजर की कमीशन कितनी है बेटा, 19,000। यस सर। इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना अमाउंट है, 5,000, तो ये खर्चे हुए, ठीक है। तो इसके बाद 1,80,000 में से 19 और 5 24,000 को माइनस करो, 24,000 को माइनस करो यहां पर, तो आपके पास आएगा 1,56,000। तो यहां पर 1,56,000 आना चाहिए था, जिसमें से इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना था, प्लस करना था, माइनस करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 60,000, और माइनस करना था सैलरी को भी 10,000। तो इसके बाद जो प्रॉफिट आता वो हमारा सही वाला प्रॉफिट होता। मुझे बताओ कैलकुलेट करके कितना आता है, 1,56,000 के अंदर 39,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, माइनस किया 60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस किया 10,000 की सैलरी, तो यहां पर बेटा 1,25,000 रुपए हमारे पास सही प्रॉफिट बचना चाहिए था, जो कि बाद में पार्टनर्स को बांटना चाहिए था। और पार्टनर्स की रेशो क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी 3:1:1, तो बेटा एक काम करो ना, इसको बांट ही दो, बांट दो इसको, बताओ जी बांट के कितना आता है। सर ये आएगा 75,000 25,000 25,000, टोटल में 1,25,000। तो बेटा पार्टनर्स के खाते में जो गलती से अमाउंट गया था हमने पहले उसको निकाला, और जितना पार्टनर्स के खाते में अमाउंट जाना चाहिए था हमने उसमें क्रेडिट किया, और जितना डेबिट होना चाहिए था एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उसको डेबिट भी कर दिया। तो पार्टनर्स से रिलेटेड हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर दी जो उनके कैपिटल अकाउंट में होनी चाहिए थी। तो मुझे यहां पर अब डिफरेंस बताने का आप काम करेंगे, डिफरेंस बताओ बेटा, डेबिट का टोटल पहले एक बार कर लो, कितना है डेबिट का टोटल, 60 + 8 68,000 हो गया, ठीक है, और यहां का क्रेडिट का टोटल कितना है, 75 + 10 85 और 20 1,25,000।
105,000 रुपये। 105,000 में से 68,000 रुपये माइनस करके बताओ मुझे कितना आता है, ये आएगा बेटा आपके पास 37,000 क्रेडिट का। ऐसे ही आप यहाँ पर भी डिफरेंस निकालेंगे और आपके पास इस बार जो डिफरेंस आएगा वो 28,000 रुपये आएगा, लेकिन डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो यहाँ पर आप डेबिट लिखेंगे और यहाँ पर आएगा आपके पास 33,000 और ये भी डेबिट का ही आएगा ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, इतना क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी सर। अब इसके बेस पर ना बेटा हम एक एंट्री बनाने का काम करते हैं, हालांकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा, चलो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, ये आप वर्किंग नोट में बनाएंगे जो आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली है। तो मेरे साथ साथ एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ बेटा। ए को क्रेडिट करना है, बी एंड सी को डेबिट करना है, तो लिखो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना डिफरेंस आया था वहां पर? सर इसका था 28,000 और इसका था 33,000। अच्छा जी, ए को क्या करना है? क्रेडिट। और ए में डिफरेंस कितना आया था बेटा? 37,000। यहां तक क्लियर हो रहा है? क्या ये एंट्री पूरी की पूरी बन गई? क्या इसमें कुछ अभी अधूरा है? इसमें कुछ अभी अधूरा है बेटा? क्या? सुनो ध्यान से मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना है आपने। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा है और जो मैनेजर की कमीशन का खर्चा है, ये क्या आपने इसका पहला इफेक्ट लिया यहां पर? यस सर, हमने करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए खर्चे को यहां पर दिखाया। लेकिन आपको पता है हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट थे मुझे बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा क्या एंट्री बनती है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम बताते हैं आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या था मुझे ये तो बता दो आप, बी। तो यहां पर आप लिखेंगे बी लोन अकाउंट, अभी पे नहीं किया उसको, या आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बी लोन, मतलब लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का इफेक्ट तो आपने यहां पर डाल दिया था, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट अभी तक आपने कहीं पर नहीं दिखाया और ना आपने इसकी पेमेंट की, तो आपको एज अ लाइबिलिटी इसको एंट्री में दिखाना पड़ेगा। और इसको एंट्री में दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बी लोन। कितने रुपए था सर? ये था 5,000। ठीक है, ऐसे ही मैनेजर की कमीशन का खर्चा आपने दिखा दिया था ना, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पर माइनस किया तो है आपने मैनेजर की कमीशन को। कितनी माइनस की है मैनेजर की कमीशन? 19,000। इसकी एंट्री पता क्या होती है बेटा मैनेजर की कमीशन की? एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, पहला इफेक्ट बिजनेस का खर्चा हुआ, एंड सेकेंड इफेक्ट बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, तो आपने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की। तो एडजस्टमेंट एंट्री में जो आपका पैसा बकाया है, जो आपने पैसा अभी तक देना है, किसको? एक तो बी को देना है एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक मैनेजर को मैनेजर की कमीशन देनी है, तो ये लाइबिलिटी का इफेक्ट भी आप इस एंट्री में दिखाएंगे। ठीक है ना, आपने पार्टनर्स का हिसाब किताब तो ऊपर कर दिया, लेकिन जिन लोगों का और भी पैसा बकाया है, मतलब बी के लोन के ऊपर इंटरेस्ट बकाया है, उसको यहां पर दिखाओ, दिखाना पड़ेगा 5,000 रुपए से इसके बकाया हैं, और यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, कि मैनेजर की कमीशन भी अभी बकाया है। कितने से बकाया है? 19,000 रुपए से। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। एडजस्टमेंट आप लिख लोगे? हाँ जी सर, लिख तो लेंगे, आप लिखवा भी दो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो लिख लो बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो ये एंट्री बनेगी बेटा। तो इन दोनों चीजों को दिखाना मत भूल जाना एडजस्टमेंट एंट्री में।
इस एडजस्टमेंट एंट्री से हमें क्या पता लग रहा है, हमने बी के अकाउंट में 28,000 रुपए पहले ज्यादा डाल दिए थे गलतियों के कारण, तो उसके अकाउंट में से आपने 28,000 रुपए काटे हैं। सी के खाते में आपने 33,000 रुपए पहले ज्यादा ट्रांसफर कर दिए थे, तो उसके खाते में आपने 33,000 रुपए काट लिए। ए के खाते में ना पहले 37,000 रुपए कम गए थे, तो आपने उसके खाते को 37,000 रुपए से क्रेडिट किया एडजस्टमेंट एंट्री में। और आप दो चीजों को और भी दिखाएंगे, जो मैनेजर की कमीशन अभी बकाया है, मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है बिजनेस की तो क्रेडिट करते हैं। और एक चीज बिजनेस की लाइबिलिटी और भी बड़ी है जिसको आपने अभी तक पे नहीं किया, बी के लोन के ऊपर इंटरेस्ट, उसको भी क्रेडिट करके एंट्री में दिखाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी एंट्री बनती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब मेरे साथ साथ आप एक क्वेश्चन बच्चे और करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हम अपने सिलेबस में दो बुक्स कवर करके चलते हैं, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी लेते हैं। डीके गोयल को तो हम साथ साथ करते जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम उसके कर रहे हैं अपने हर लेक्चर में। अब बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डीके गोयल में नहीं मिलेगा, और अगर गलती से ये पेपर में आ गया क्वेश्चन तो आपको हो जाएगी समस्या, क्योंकि डीके गोयल में इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक कवर नहीं है, लेकिन टीएस गरेमाल में दे रखा है। तो सीबीएसई बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपको डीके गोयल में नहीं मिल रहा लेकिन टीएस गरेवाल में दिख रहा है, वो क्वेश्चन हम कवर करते हैं। ये टीएस गरेवाल की बुक है बेटा, जिन बच्चों के पास टीएस गरेवाल की बुक है उनको इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास टीएस गरेवाल की बुक नहीं है वो मेरे साथ साथ पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है ये टीएस गरेवाल का। या आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 75 टीएस गरेवाल आप एक काम कीजिए, मैं इसको लिखने का कष्ट क्यों करूं, मैं आपको जूम कर देता हूं ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो और बाद में इसको लिख लेना। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट खींच लो बच्चों इसको, और इसको लिख लो अपनी नोटबुक में जिनके पास टीएस गरेवाल की बुक नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, क्या लिख रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, बड़े ध्यान से समझेंगे। कहते कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31st March 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 रिस्पेक्टिवली 31 मार्च 2019, ये बेटा कौन सी कैपिटल है? सर ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, आगे लिख रखा है प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 4:1:1। कितने का प्रॉफिट पार्टनर्स के खाते में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 में, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आपने अलाउ कर दिया था कितने परसेंट से, 10% से। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000, हर पार्टनर ने कितना पैसा निकाला भी है, 3,60,000 रुपए निकाले हैं। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर पहली बात तो साइलेंट थी, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं थी। तो ऐसे केस में हम कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उठाते हैं, इक्वल, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होनी चाहिए थी, 1:1:1 होनी चाहिए थी। और कहता है बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 12% पर एनम रहेगा, लेकिन अकाउंटेंट जी ने देखो क्या गलतियां की है, अकाउंटेंट जी ने एक तो रेशो गलत ली, रेशो लेनी चाहिए थी 1:1:1, अकाउंटेंट ने 4:1:1 ले ली। सेकंड गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो हमें 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए, लेकिन अकाउंटेंट जी ने बताओ कितने परसेंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में क्रेडिट कर दिया, 10% का। यह दूसरी गलती, तो इन दोनों गलतियों को हमें सुधारना है।
जिसके लिए हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो सर। अच्छा जी, अगर मुझे 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखो 31 मार्च 2019 की कैपिटल है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना पड़ेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? हां जी सर, सही कह रहे हो आप। एक तो बात ये, पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर किन किन चीजों का अकाउंटेंट ने इफेक्ट ले लिया था, जिसका इफेक्ट अब हम खत्म करेंगे। एक तो उसने साफ साफ बोल रखा है 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट गलती से बांट रखा है, तो पहले तो इसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में प्लस होता है, लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना है तो प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया था अकाउंटेंट जी ने 10%, तो मतलब पार्टनर्स की जो ये कैपिटल है इसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है ऑलरेडी? 10%, तो इसका भी इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना पड़ेगा। अच्छा जी, पार्टनर्स ने 3,60,000 निकाले थे ईच पार्टनर ने, मतलब हर पार्टनर ने 3,60,000 रुपए निकाले थे, जिसका इफेक्ट इस कैपिटल के अंदर ऑलरेडी है। तो ड्रॉइंग्स का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें ड्रॉइंग्स को क्या करना पड़ेगा बेटा? ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक अगर आप पहुंचते हैं तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। अब उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए आपको ड्रॉइंग्स को प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी इतनी? हाँ जी सर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ओपनिंग कैपिटल को निकालने का काम करते हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है यहां पर ओपनिंग कैपिटल को निकालना। सर क्यों? लिखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से समझना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो बेटा आप इस क्वेश्चन को पक्का गलत कर देंगे, ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा इस क्वेश्चन में फिसड्डी साबित हो सकता है अगर उसने इस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस नहीं किया कभी। बेटा हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सर क्यों निकाल रहे हो? पहला क्वेश्चन ये बताओ हमें। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती की थी मुनीम जी ने, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो लिखो पहले क्लोजिंग कैपिटल कितने की थी बेटा क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल बेटा आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 90,000, 3,30,000, 6,60,000। ठीक है सर, यहां तक तो हमें आ गया समझ। इस क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए अकाउंटेंट जी ने तीन चीजों का इफेक्ट ले लिया था, और वो कौन सी तीन चीजें थी? वो कौन सी तीन चीजें थी बेटा? फटाफट मुझे बताओ। एक तो सर ड्रॉइंग्स थी, तो ड्रॉइंग्स को बेटा मुझे फटाफट बताओ क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि पहले माइनस किया था। कितने कितने की ड्रॉइंग्स हैं सबकी? 3,60,000, 3,60,000 एंड 3,60,000। क्लियर हो गया बात? हाँ जी सर। सर प्रॉफिट का भी इफेक्ट खत्म कर दो, क्योंकि अकाउंटेंट जी ने ना प्रॉफिट को गलत बांट दिया था पार्टनर्स में, जो कि उनके कैपिटल अकाउंट में चले गया था। कितने का प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में दे रखा था? 1,80,000। कौन सी रेशो में बेटा उसने बांटा था? 4:1:1 में। तो बताओ, 1,20,000 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 30,000 एंड 30,000। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी सर। अकाउंटेंट भाई साहब जी ने ना एक गलती और की थी, उन्होंने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ले लिया था।
हालांकि लेना कितना चाहिए था अगर आप ध्यान से देखें 12%, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया होगा या नहीं गया होगा, मुझे इस बात का आंसर कीजिए। हाँ जी, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया होगा, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस हुआ होगा, जिसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस। हाँ जी सर, 10%। अब मुझे 10% निकाल के बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा। सर कौन से अमाउंट के ऊपर निकाले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, दिक्कत तो यहां पर है सारी की सारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मुझे निकाल के बताओ बेटा, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, लेकिन मुझे ये 10% ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। और हालांकि हम अभी जो काम कर रहे हैं वो ओपनिंग कैपिटल को निकालने का ही तो काम कर रहे हैं, ये ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी आपके पास, लेकिन आपको क्या ये ओपनिंग कैपिटल पता है? नहीं पता। अगर आपको ये अमाउंट अभी तक नहीं पता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालने में बड़ी ही समस्या है कि नहीं है? हाँ जी सर है, बिल्कुल है। तो बेटा इस समस्या को अभी आपके सामने दूर करते हैं। सर कैसे दूर करेंगे? बेटा हमको मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। सर कैसे? बेटा मैं इस ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान लेता हूं, बोलो मैं इस ओपनिंग कैपिटल को कितना मान रहा हूं? एक्स मान रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। और इस ओपनिंग कैपिटल को अगर मैंने x माना, मैंने इसको ना x मान लिया अपनी तरफ से, एज्यूम कर लिया ये x के बराबर है। अब जो काम मैं आपको a का करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल सेम काम b का होगा और बिल्कुल सेम काम c का होगा। तो बस आप एक काम समझ लो, इसका बिल्कुल सेम काम इसमें करना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वहां पर लगेगा। मैंने इसको x माना और ओपनिंग कैपिटल पता है सर किसके बराबर है? क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा जी, माइनस प्लस ड्रॉइंग्स, माइनस प्रॉफिट्स, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल के बराबर आ जाएगा और ओपनिंग कैपिटल को मैंने यहां पर एक्स एज्यूम कर लिया। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। तो लो जी, मैंने इसको दोबारा से यहां पर एक्स लिखा, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। मैं ओपनिंग कैपिटल को निकालने का काम कर रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन थी? यस। क्या मुझे ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन थी? यस। क्या प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन थे? यस। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था? नहीं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट गिवन था? यस सर, 10% था, जो कि किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। और मैंने ओपनिंग कैपिटल को कितना माना है? एक्स माना है। तो बेटा अगर आप एक्स के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहें, तो एक्स इंटू, ये एक्स है, इंटू 10%, एक्स इंटू 10%, बताओ ये कितना आएगा? सर ये आएगा 0.1x। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने इस x के ऊपर निकाला है 10%, तो ये आएगा 0.1x। और ये 0.1x आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1.1x। और बाकी का अमाउंट बताओ, 90 + 360 कितना होता है बेटा? फटाफट 4,50,000। 4,50,000 में से 1,20,000 को अगर आप माइनस कर दें तो कितना आएगा? 3,30,000। तो मुझे अब x का अमाउंट बताओ कितना आएगा? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1.1। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 3,00,000। ये मैथमेटिक्स थी। तो x का अमाउंट मैंने यहां से पता कर लिया 3,00,000। तो ये 3,00,000 है बेटा। तो 3,00,000 के ऊपर 10%, मतलब 3,00,000 के ऊपर 10%, 30,000।
आप इसको प्रूव करके बताऊं, 90 प्लस 360 कितना होता है, 450, 450 माइनस 120 कितना होता है, 330, 330 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 300,000। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। तो जिस तरीके से मैंने ए की ओपनिंग कैपिटल निकाली है, आप बिल्कुल सेम तरीके से बी की ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना, इसको वाई मान लेना। तो यहां पर वाई आ जाएगा, यहां पर वाई आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा 330, यहां पर कितना आएगा 360, यहां पर कितना आएगा 30,000, और यहां पर कितना आएगा वही 0.1y। ठीक है ना, तो यहां का अमाउंट भी निकल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं ये कितना कितना अमाउंट निकलेगा, आपने इसको खुद निकाल लेना है। ठीक है जी, ये निकलेगा बेटा 6,00,000, ये निकलेगा आपका इसी तरीके से 9,00,000, 6,00,000 के ऊपर 10% कितना होता है 60,000, और यहां पर कितना आएगा 90,000। ठीक है, हमें ये सारे के सारे अमाउंट नहीं पता थे। अब बस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है, हमें ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा मुझे फटाफट, ए बी सी। ठीक है, हाँ जी सर, टोटल अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आगे भी आप गलत कर सकते हैं। अच्छा सर, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ जी बेटा। मुनीम जी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, बताओ मुझे फटाफट। हाँ जी सर, बनाया होगा। पार्टनर्स का क्या कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा? यस सर, बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा। क्वेश्चन में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने गलती से 10% ले लिया, ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट भी कर लिया। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करेंगे, 90 प्लस 60 150 प्लस 30 कितना होता है 180,000, तो गलती से उसने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया था 180,000 रुपए का, जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में गलती से क्या हो गया था, क्रेडिट 10% पर एनम के हिसाब से। क्लियर है। इसके बाद उसने बताया था कि जो प्रॉफिट था 180,000 रुपए का ही था, जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में गलती से कौन सी रेशो में चले गए थे? सर गलती से गए थे उसके अकाउंट में 4:1:1 में। तो जितना अमाउंट उसके खाते में गलती से क्रेडिट हुआ है ना बेटा, पहले इसको निकालने का काम करो। तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो यहां पर लिखो रॉन्ग प्रॉफिट्स 1,80,000 इन 4:1:1। क्या लिखा है मैंने, 4:1:1। तो मुझे बताओ 1,20,000, 30,000, समझ आ रहा है? पहले मैं जो गलत प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना, पहले वो निकालने का काम कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी सर। जो गलती से उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया था 10%, उसको भी निकालो ना, कितना कितना था 30, 60, 90। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% डेबिट कर रहा हूं, कितना 30, 60, 90। सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो तभी तो करवाया है बच्चे, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ जी सर। अब बेटा सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर कितना था, 12% सर। ठीक है, तो 12% था, तो मुझे बताओ सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना बन रहा है, सही वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना बन रहा है, यहां पर निकाल लो आप, ये वर्किंग नोट में कर लेना ये काम जो मैं कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का, सी का ओपनिंग कैपिटल कितनी है 300,000,
इसकी 6 लाख, इसकी 9 लाख, और सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बताओ बेटा कितना था। क्वेश्चन में दे रखा था 12% के हिसाब से मिलना चाहिए, 36,000, 72,000, 1,08,000। तो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में आप डालो, ठीक है। सही वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल बनेगा बेटा 2,16,000, जो कि मैं उनके अकाउंट में अब क्या कर रहा हूं, दिख रहा है, क्रेडिट कर रहा हूं। 36,000, 72,000, 1,08,000, टोटल में 2,16,000। बोलो जी, यहां तक क्लियर हुआ? उनके अकाउंट में जो गलत प्रॉफिट गया था पहले मैंने उसको निकाला, उनके अकाउंट में जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया था फिर मैंने उसको निकाला, फिर मैंने उनके अकाउंट में सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया। अब बस एक लास्ट काम रह गया। सर क्या बेटा, उनके अकाउंट में करेक्ट प्रॉफिट भी तो डालो। अब ध्यान से सुनना, करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमें यहां पर 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट बता रखा था, और यहां पर इससे पहले आप 1,80,000 रुपए एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट चुके थे, तो इसका मतलब ये 1,80,000 रुपए 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद आया था। तो अगर आपने रिवर्स जाना है, यहां का प्रॉफिट पता करना है, तो 1,80,000 प्लस 1,80,000 कितना होता है, 3,60,000। तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट पड़ा था बिजनेस के पास, 3,60,000 का। तो यहां तक समझ में आया? इतनी बात समझ में आई है? इतनी सी बात समझ में आई है? हाँ जी सर। 3,60,000 का प्रॉफिट हमने पता कर लिया कि पहले से पड़ा था। अब बताओ आपने इस 3,60,000 में से सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांटे है, 2,60,000। तो आप इसमें से 2,16,000 ऑलरेडी बांट तो चुके हैं एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास यहां का बैलेंसिंग फिगर जो सही में बचना चाहिए था वो कितना बचना चाहिए था, 3,60,000 माइनस 2,16,000, 1,44,000। देखा बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितनी गलतियां, अगर आप ध्यान से सोचें तो कितनी गलतियां कर सकते थे अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है ना। तो 1,44,000, अब मुझे बताओ उनके खाते में मैं ये 1,44,000 को डालने का काम करूंगा, मतलब क्रेडिट करूंगा कि ये सही वाला प्रॉफिट है, और पार्टनर्स की रेशो बता रखी थी कि सही वाली रेशो जो उनकी थी क्या थी, उन्होंने बोला था कि पार्टनर्स ने इसके बारे में डिसाइड नहीं किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, तो इसका मतलब उनकी रेशो 1:1:1 लेनी पड़ेगी। तो इसको बांटो तो आपके पास आएगा 48,000, 48,000, 48,000, और टोटल मिला के 1,44,000। देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है इस क्वेश्चन में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको सीए में जाके ना, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहां के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो बताओ मुझे डिफरेंस बताओ, यहां पर बच्चा फंसता है, इन क्वेश्चन को माना जाता है अच्छा, ये काम तो आप कर ही लेंगे अब। हाँ जी सर, ये काम तो हम कर ही लेंगे, इसमें तो हम माहिर हैं। तो बेटा आप एंट्री पास कर दो, क्या एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यस सर, 66,000, 30,000, 36,000, एंड नरेशन में लिखो एडजस्टमेंट एंट्री 4, 4, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, दोबारा से रिपीट कर दूं एक बार? हाँ जी सर, कर दो। बेटा जो अकाउंटेंट ने गलती की थी वो गलती ये थी कि अकाउंटेंट ने गलत रेशो में प्रॉफिट को बांटा था,
और गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया था। तो हमें सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल का पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो समस्या थी वो ये थी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, तो सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल को निकालने का काम किया। और ओपनिंग कैपिटल को निकालने का काम आपने कैसे किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी वो आपने लिखी, फिर इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर देखा कि किन किन चीजों की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी थी। तो इसके अंदर एक ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट हो रखी थी तो आपने इसको खत्म किया, मतलब पहले माइनस हुआ था तो प्लस कर दिया। इस कैपिटल के अंदर प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट थी, जो कि 180,000 रुपए का प्रॉफिट 4:1:1 के अंदर इसके अंदर इंक्लूड था, तो आपने उसको खत्म करने के लिए माइनस किया। इस कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत ऐड था 10% के हिसाब से, लेकिन इस 10% को निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल का पता होना चाहिए था, और आप यहां पर निकाल भी ओपनिंग कैपिटल रहे हैं, समस्या तो यहां पर थी बड़ी ज्यादा। तो आपने यहां पर मैथ को यूज किया, आपने इसको एज्यूम कर लिया x, और x का फॉर्मूला क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला यहां से क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये x किसके बराबर है, क्लोजिंग कैपिटल 90, ड्रॉइंग्स 360,000, प्रॉफिट 120,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है इसके ऊपर। और अगर इसको x एज्यूम किया तो ये कितना होगा 0.1x, और आपने यहां से x की वैल्यू निकाल ली जो कि 300,000 निकली है। बिल्कुल सेम काम आपको यहां पर करना है, ये मैंने आपको अमाउंट निकाल के बता दिए, आप ये कैलकुलेशन खुद करके देखना। तो जब आपको ये पता लग गया ओपनिंग कैपिटल, तो आपने इसके ऊपर 10% सीधा क्या कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ जी। तो हम यहां पर ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच गए, और इस ओपनिंग कैपिटल का सहारा लेकर आपने 12% जो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसके मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। फिर आपने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को बनाना स्टार्ट किया और गलतियों को दूर करना स्टार्ट किया। जो पार्टनर्स के खाते में गलत प्रॉफिट गया था सबसे पहले आपने उसको निकाला, पार्टनर्स के खाते में जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया था फिर आपने उसको डेबिट किया, मतलब उसको निकाल लिया। फिर पार्टनर्स के खाते में जो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना चाहिए था, जो आपने यहां पर 12% पर एनम के रेट से कैलकुलेट किया था, आपने वो डाला। फिर उनके अकाउंट में करेक्ट प्रॉफिट आपने डालने का काम किया। आप यहां पर भी गलती कर सकते हैं, आपने आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा कि सही वाला प्रॉफिट एक्चुअल में यहां पर कितना आना चाहिए। उसने हमको बताया था कि 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट बांटा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांटा 1,80,000 रुपए का, तो इसका मतलब बिजनेस के पास पहले से 360,000 रुपए पड़े थे। यस सर। तो 360,000 में से अभी आप सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांट चुके हैं, 216,000, और उसके बाद यहां का बैलेंसिंग फिगर 1,44,000 बचता है, जो कि 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड, हमारा क्वेश्चन साइलेंट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर, तो हम इक्वल बांट देते हैं और हमने उसको क्रेडिट किया। फिर हमने इनका डिफरेंस निकाला और उसके बेस पर हमने एक एंट्री पास कर दी जिसके मुताबिक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक यहां पर बिल्कुल फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपने क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और पास्ट एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आती है तो इससे पहले जितने भी लेक्चर मैंने डाल रखे हैं पास्ट एडजस्टमेंट को, शुरू से उठाओ और देखना स्टार्ट करो। और लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं, पास्ट एडजस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रट्टा मारने वाले बच्चों का काम बिल्कुल नहीं चलता, यहां का काम होता है लॉजिक से। तो पास्ट एडजस्टमेंट उनको समझ में आएगा जो बच्चे रट्टा नहीं मारते, जो लॉजिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहां पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।